हेलो गाइस, वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं रिंकू मिश्रा कुछ टिप एंड टिक्स फिर से लेके आ गई हूँ। तो चलिए टिप्स को स्टार्ट करती हूँ। तो जो फर्स्ट टिप है वो आटा छानने को लेके है। गाइस, जब भी हम आटा छानते हैं तो नॉर्मली अगर आटा छानते हैं तो हमारे आटा इधर उधर उड़ते हैं और हमारे सरफेस को भी गंदा करते हैं। तो इसके लिए जब भी आप आटा छाने तो दो चार कांच की चूड़ियाँ आप उसमें इस तरह से डाल दीजिए। और चूड़ियाँ डाल के जब भी हम आटा छानेंगे तो जब आप देखेंगे कि बिल्कुल भी हमारे जो आटा है बिल्कुल सरफेस पे नहीं फैलेगी और हमारा सरफेस बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और हमारा काम भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और थोड़े ही देर में हम अपने काम को साफ़ सुथरे तरीके से करके अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये तरीका आटा छानने का आपको पसंद आया होगा। और ये चूड़ियाँ फिर हम दोबारा से इसको साफ़ करके रख सकते हैं, फिर दोबारा भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है कैबेज को लेके। कैबेज हम लेके आते हैं, स्टोर करते हैं और काफ़ी दिनों तक हम इसको रखते हैं और यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा जो कैबेज लेके आते हैं, अगर हम फ्रिज में भी रखते हैं तब भी सूखने लगता है। तो इसके लिए हम ये छोटा सा ट्रिक अगर यूज़ करें तो हमारा कैबेज महीनों तक बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रहेगा और नहीं सूखेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जो हमारा ये कैबेज पत्ता गोभी के बीच का पार्ट है इस तरह से हमें कट करके निकाल लेना है, जो मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो ये बीच का पार्ट मैं कट करके निकाल लेती हूँ और इसके बाद हमें लेना है एक टिश्यू पेपर, छोटा सा टिश्यू पेपर या नॉर्मल पेपर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये टिश्यू पेपर मैं ले रही हूँ। और इस तरह से टिश्यू पेपर को लेना है और उसके बाद उस टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा हमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा हमें इस टिश्यू पेपर को गीला कर लेना है। और गीला देखिए, मैं इस पर पानी डाल के इसको चारों तरफ से अच्छे से गीला कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। देखिए, मैं इसको अच्छे से यूज़ कर ली और फिर जो पत्ता गोभी के बीच के पार्ट में जो हमने होल बना रखी थी उसमें देखिए इस तरह से इसको लगा के, और इसके बाद जिस भी पैकेट में आपको रैप करके रखना है, मतलब जैसे भी आप स्टोर करते हैं, आप इस तरह से अगर करके पत्ता गोभी को स्टोर करेंगे तो ये महीने तक तो बिल्कुल हरा और ताज़ा रहेगा, क्योंकि जो ये टिश्यू पेपर है ये उसकी नमी बरकरार रखेगी और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो भी ये सोखती रहेगी। तो इस तरह से अगर रखेंगे तो हमारे पत्ता गोभी काफ़ी दिनों तक ताज़ा और फ्रेश रहेगा और ये हम अच्छे से इसको यूज कर पाएंगे। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूजफुल होगा और ज़रूर से आप ट्राई करिएगा। और चलिए इसी के साथ चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ। और गाइज, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान हम सभी अपने घरों में रखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर नापने के लिए ब्लड प्रेशर मशीन या वेट नापने के लिए इस तरह की मशीन, तो लेकिन इसका रेगुलर यूज़ हम नहीं करते हैं। तो अगर हम इसको रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं तो जब भी हम इसको रखें तो कभी भी हमें ना इसका यूज सेल होता है, इसको हमें इसमें लगे नहीं रहने देना चाहिए, हमें इसको सेल को निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर हम सेल लगा के रखते हैं तो जो भी हमारे मशीन होते हैं जब हमें उसको यूज़ करना होता है, अचानक से हमें काम लेना होता है, तो उस टाइम पता चलता है कि इसकी सेल ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है और हम इसको नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो गाइस, जब भी आप यूज़ नहीं करना है इस तरह के मशीन को तो आप उसके सेल को निकाल दीजिए और उस सेल को एक अल्मोनियम फाइल में इस तरह से अच्छे से रैप करके, और जो भी आपका मशीन है, ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन है या वेट नापने वाली मशीन है या कोई भी बच्चों के खिलौने हैं जो कि आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से सेल को आप निकाल के रैप करके और फिर उसके साथ रख दीजिए। इसके बाद जब भी आपको अचानक से ज़रूरत पड़ेगी मशीन को और आप यूज़ करने जाएंगे तो आपका सेल बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। और इसी के साथ चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है की को लेकर।
हमारे घर में बहुत सारे दरवाजे डोर होते हैं और अलग अलग की होते हैं, और आजकल तो फ्लैट में सारे की एक ही जैसे दिखते हैं, तो अधिकतर जब हमें यूज़ करना हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें हमारा टाइम भी जाता है और हमारा एफर्ट भी जाता है। तो गाइज क्यों ना एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करें जिससे कि हमें अगर किसी भी डोर के की ज़रूरत हो या किसी भी अलमीरे की ज़रूरत हो तो हमें कंफ्यूजन ना हो और तुरंत हम आसानी से अपना काम कर पाएँ। तो इसके लिए करना क्या है गाइस, जो भी आपका की है आप अपने हिसाब से, क्योंकि की तो ऑलरेडी सबका अपना एक कोड होता है, लेकिन नहीं हमें भी इस पे अपना एक कोड डाल देना चाहिए। तो आप किसी नेल पेंट की सहायता से जिस भी चाबी को आप उठाते हैं, जिस भी चाबी को आप लेते हैं, उस पर आप एक कोड बनाइए। देखिए मैंने इस पर प्लस का निशान बना दी हूँ और दूसरी की पे मैं बस एक छोटा छोटा सा डॉट बना रही हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी जिस डोर की चाबी है उस डोर में हम इसको लगा के फिर चेक कर लेंगे कि कौन सी चाबी किस डोर की है, और जिस डोर की जो चाबी है वहाँ पर भी हम सेम ही कोड लगाएंगे। जैसे कि मैंने चाबी पे यहाँ पर डॉट बनाया हुआ है तो हम अपने डोर पर भी एक छोटा सा डॉट बना देंगे। इस तरह से देख सकते हैं मैंने इस पे छोटा सा डॉट बना रखी हूँ नेल पेंट का, और मैं डोर पे भी छोटा सा डॉट बना देती हूँ। तो गाइज इससे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपकी कितनी भी चाबियाँ आप एक पास रखें आप जब चाहें आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप ये टिप अच्छा लगा होगा, और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ जो कि है अगरबत्ती को लेकर। पूजा पाठ करते हैं हम तो डेली ही करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती स्टैंड भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है अचानक से पूजा पाठ होता है, थोड़ी बड़ी पूजा करने लगते हैं या हमारे कभी कभी इधर उधर गुम हो जाते हैं अगर नहीं मिलते हैं अगरबत्ती स्टैंड। तो उसके लिए ये ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। हमें ले लेना है कोई सा भी आलू, अगर आलू बिल्कुल गोल है अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप कट करके भी उसको उल्टा पार्ट करके आराम से रख के और इस तरह से अगरबत्ती रख के जला सकते हैं। अगर नहीं इस तरह से करना है, खड़ा आलू ही आपका अच्छे से सपोर्ट दे रहा है, तो आप खड़े आलू को भी इस तरह से ले कर और उसमें अगरबत्ती जला के हम इस तरह से करके अगरबत्ती स्टैंड बना के यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइज ये इमरजेंसी में यूज करने वाला ट्रिक है। और चलिए इसी के साथ बाय।